वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है, सो वीडियो का टाइटल है प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹7,500 करोड़ टू प्रोवाइड इंप्यूट्स टू महाराष्ट्र, और इनके चैनल का नाम है नरेंद्र मोदी। सो आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। आज अहमदनगर और शिरडी के साथ पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु समाज के हर वर्ग के विकास के लिए सरकार और शिरडी संस्थान द्वारा संचालित परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। माता एवं शिशु अस्पताल अहमदनगर का शिलान्यास प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस प्राथमिकता की पूर्ति के लिए अहमदनगर में 25.45 करोड़ रुपयों की लागत से 100 बेड के माता एवं शिशु अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इस अस्पताल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को न्यूनतम शुल्क में उच्चतम आरोग्य सेवा प्रदान की जाएगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से आज इस सर्व सुविधा युक्त माता एवं शिशु अस्पताल का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। श्री साई बाबा संस्थान शिरडी द्वारा निर्मित नए दर्शन कतार का लोकार्पण। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी में श्री साई बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की औसत संख्या प्रतिदिन 50,000 तक होती है। ऐसे समय में संस्थान के लिए श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन हो रहा था। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने एक योजनाबद्ध नए दर्शन कतार भवन के निर्माण का निर्णय लिया, और 19 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से इस नए दर्शन कतार प्रकल्प का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 109.50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए दर्शन कतार भवन में भक्तों के लिए कुल 10,000 आसन क्षमता के 12 बड़े वातानुकूलित प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच काउंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, बच्चों के लिए दूध पान कक्ष आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों द्वारा इस नए दर्शन कतार प्रकल्प को साई भक्तों की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। आयुष अस्पताल अहमदनगर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत अहमदनगर में 30 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल स्थापित किया गया है। इस अस्पताल में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से इस सर्व सुविधा युक्त आयुष अस्पताल का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। इंडियन ऑयल मनमाड़ टर्मिनल में अतिरिक्त टैंकेज और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण। राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए मनमाड़ टर्मिनल में 221 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त 79,000 किलोलीटर भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट ने निर्माण चरण के दौरान लगभग 7.3 लाख श्रम घंटे प्रतिवर्ष रोजगार पैदा किया है। टर्मिनल के पाइपलाइन द्वारा जुड़ने से प्रतिवर्ष 3 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी मनमाड़ टर्मिनल की अतिरिक्त टैंकेज और अन्य सुविधाओं को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं।
कुर्डुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड के विद्युतीकरण का राष्ट्र को लोकार्पण, जलगांव से भुसावल तीसरे और चौथे रेलवे लाइन का राष्ट्र को लोकार्पण, 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है, जलगांव से भुसावल के बीच तीसरी और चौथी लाइन तथा कुर्डुवाड़ी से लातूर रोड के बीच रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन देश को समर्पित किया जा रहा है। जलगांव से भुसावल के बीच 24.46 किलोमीटर के दो नए रेल लाइनों से मुंबई हावड़ा रूट पर तेज रेल कनेक्टिविटी, ज्यादा गाड़ियों का आवागमन तथा भुसावल पावर और सीमेंट प्लांट तक ट्रेनों को आरामदायक परिचालन हासिल होगा। ये प्रोजेक्ट 640 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया है। कुर्डुवाड़ी लातूर रोड रेल खंड पर विद्युतीकरण से डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन बदलने का समय बचाने से रेल गाड़ियों का आवागमन तेज होने में मदद होगी। ये 186 रूट किलोमीटर की परियोजना 237 करोड़ की लागत पर पूरी की गई है। सांगली से बोरगांव मार्गिका का चौपदरीकरण, पिछले 9 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत ही बदल कर रख दी है। इसी की देन है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी महाराष्ट्र में सांगली से सोलापुर सड़क परियोजना के NH-166 पर पड़ने वाली सांगली से बोरगांव को जोड़ने वाले पैकेज 1 सड़क मार्ग की सौगात दे रहे हैं। 41.44 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2040 करोड़ है। ये नई सड़क आसपास के इलाके के किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। NH-166 मराठवाड़ा और विदर्भ को कोंकण प्रांत से भी जोड़ता है। मतलब साफ है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करके जरूर दिखाती है। निलवंडे बांध के जल का लाभार्थी क्षेत्र के लिए लोकार्पण, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देश में जल निकायों को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए जल मंदिर की नींव रखी। उनकी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से निलवंडे 2 परियोजना की शुरुआत की। 8.32 टीएमसी जल भंडारण क्षमता वाले इस बांध की मुख्य बाई नहर 85 किलोमीटर लंबी एवं दाई नहर 97 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना के कारण अहमदनगर और नासिक जिले के कुल 7 तालुकाओं के 182 सूखाग्रस्त गांवों की 68,878 हेक्टर भूमि सिंचित होने वाली है। ये बांध हमारे प्रधानमंत्री जी के हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से आज इस बांध के जल का लाभार्थी क्षेत्र के लिए लोकार्पण हो रहा है। और सबसे पहले मैं बात करूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी बुलंदियों पर ले गए हुए हैं कि अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आ गया, तो ये हैरानकुन बात तो है ही है, लेकिन ज्यादा इसलिए हैरानकुन नहीं क्योंकि हम जैसे जैसे वीडियोस देखते रहते हैं तो हमें पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंडिया मतलब इतनी तरक्की कर रहा है, जहां देखो रोड्स जो है वो सही हो रही हैं, रेलवे लाइन बिछ रहा है। तो मैं अभी इस वीडियो को देख मतलब जब ये वीडियो सेलेक्ट की थी तो मैं यही सोच रही थी कि यार कोई ऐसी जगह बची होगी जहां पर अभी कोई रोड जो है वो बिछाने वाली रह गई होगी, मतलब इतनी हर जगह पर नई से नई टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है ना रोड्स आप लगा लो, आप बंद लगा लो, आप जो है ब्रिज लगा लो, इतनी इतनी मतलब हाईएस्ट ब्रिज भी इंडिया में ही है जो कश्मीर साइड पे है। तो मतलब ये इसका क्रेडिट वाकई नरेंद्र मोदी जी को जाता ही जाता है। और ये है कि मतलब अपने जितने भी मुल्क के लोग हैं उनको सुख सुविधाएं देना जाहिर सी बात है एक प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो कहते हैं कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, तभी जो है वो मुल्क भी आपका साथ देता है, मुल्क के लोग भी आपका साथ देते हैं, क्योंकि आपको आप अच्छे काम करोगे तो कोई नेक्स्ट टाइम भी आपको आने देगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की इतनी तारीफें जिससे देखो वही तारीफें कर रहा होता है। और अगर औरतों की बात करें तो वो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, औरतों को भी मतलब हर चीज को उसकी जगह पे रख के चलना, मैं कहती हूँ बड़े ये हिम्मत और माइंड की बात होती है। हर अगर नौजवानों की बात करें उनको आईटी में देखो कितनी तरक्की कर रहा है इंडिया, टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर रहा है, तो हर चीज को उसकी जो है ना जगह पे रखकर चलना ये वाकई एक
प्राइम मिनिस्टर की अहम ड्यूटी होती है, ये नहीं कि सिर्फ अपने पेटों में डालते रहो, और वो उन्होंने तो अपनी फैमिली भी छोड़ दी, उन्होंने कहा अपने पेटों में डालना, तो वो जो कुछ भी है वो मुल्क के लिए कर रहे हैं, और एक ना एक दिन जो है ये नंबर वन पे भी जाएगा, और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी जो है ना क्रॉस करेगा। नहीं वाकई नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ करें ना उतनी कम है, लेकिन देखो एक जो लीडर होता है ना, जैसे आपने कहा वो उसके जो नीचे टीम होती है ना वो भी तब खुशी से काम करती है जब वो लीडर जो है ना वो करप्शन वगैरह हर चीज से और अपने मुल्क के लिए सोचे, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका काम होता है कि अपनी आवाम के बारे में सोचना, जो बेसिक नीड्स होती है उसके बारे में। अब देखो जैसे इस वीडियो में हमने देखा दो जो अस्पताल बनाए, गवर्नमेंट के अस्पताल होना कोई आम मामूली बात नहीं है, जहाँ पे आप इजिली, क्योंकि हर बंदा जो है वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता, और ऐसे ऐसे इतने इस महंगाई के दौर में इतने वो कॉस्टली होते हैं ना टेस्ट, क्या बाहर से करवाने जाओ तो आपको लग पता चलता है। और फिर वो गवर्नमेंट के अस्पताल में होना, और जैसे वो साईं बाबा का मंदिर था उनको मालूम है कि वहां पे इतने लोग जो है वो आ रहे हैं, वहां पे लोगों के बेसिक नीड्स को पूरी करना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं लोगों से जो है वो आप लोगों के दिल जो है वो आम आवाम के जो दिल है ना वो जीतते हैं, और फिर वो आपको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो खैर सारी बातें तो आपने कवर कर ली है, तो जितनी बात बाकी कम की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या जितनी भी, अच्छा ट्रेन की भी हम बात करें, जो आम देखो जो हम कहते हैं कि जो मेन सिटीज होती है ना उधर तो चलो काम बंदा करता है, लेकिन जो बैकवर्ड थोड़े एरियाज होते हैं ना उनको बंदा निग्लेक्ट कर देता है, लेकिन वहां पे भी मोदी जी ने जो रोड्स इतनी अच्छी बनाई है और वहां पे भी इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो है वो बंदोबस्त किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से यही इनकी कामयाबी है कि लोगों के दिल जीत पा रहे हैं, और अपने इन्हीं कामों से मेरे ख्याल से नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बन ही जाएंगे। एग्जैक्टली, मुझे भी यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि जैसे ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बनना वाकई बहुत बड़ी बात है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है ना उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है, यही क्या कि फीसें बटोरने का वही जो एक थोड़ी सी सहूलत लोगों को दी कि चलो बेचारे अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे तो गवर्नमेंट स्कूलों में भेज देते थे कि चलो यार कोई फीस वगैरह तो नहीं है ना, बुक्स भी मिल रही है। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक पेपर को तरसा रहे हैं, पेपर्स नहीं ले रहे कि पेपर्स नहीं है, जो शीट होती है ना पेपर शीट वो नहीं है, इसके इस वजह से बच्चों के पेपर्स लेट कर रहे हैं, बुक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, कह रहे हैं कि इक्का दुक्का आपको मिल जाए करेंगी, बाद में जो रह जाएंगी वो आप जो है वो बाय कर लेना, तो फिर फायदा क्या गवर्नमेंट का, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो ये हमारे यहाँ हो रहा है, और ये देखो उनके यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए वो चांद पे पहुंच गई और हम वापिस 1935 में जा रहे हैं। सही बात है। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पे नहीं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।